दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु का 13 दिनों के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ चुके हैं। वही इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 14 दिन हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राम सेतु के अपने शुरुआती 14 दिनों के इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ जानने वाले हैं क्या ये मूवी इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएगी या फिर नहीं, यही इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों 150 करोड़ की बजट में बनाई गई फिल्म राम सेतु, जिसे की अपने पहले ही दिन 3100 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, और इस हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड की खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार, नुसरत, जैकलिन और सत्यादेव नजर आई है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, ऑडियंस से मिली काफी अच्छी रिव्यूज के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा असर दिखा नहीं पाया, और अपने फर्स्ट वीक में ये फिल्म 59 करोड़ 40 लाख की कलेक्शंस कर पाया था। अपने सेकंड वीक में भी इस फिल्म का कलेक्शंस काफी डिसेंट रहा, क्योंकि इस फिल्म के सामने कांतारा, थैंक्स गॉड और कई सारे फिल्म्स थे, और यही वजह की ये फिल्म अपने 13वें दिन 2 करोड़ 5 लाख की कलेक्शंस कर पाया था। इसी के साथ इस फिल्म का अपने शुरुआती 13 दिनों का कलेक्शंस इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ 80 लाख हो चुके थे। दोस्तों आज इस फिल्म का 14वें दिन है और आज ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1.5 करोड़ के आंकड़े को पार कर रही है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का टोटल कलेक्शंस इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर 72 करोड़ हो चुके हैं, वही इंडिया ग्रॉस 90 करोड़ हो चुके हैं। बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर राम सेतु 95 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। तो दोस्तों क्या आप इस फिल्म को देख चुके हैं? अगर हाँ तो आप इस फिल्म को 5 में से कितना स्टार देना चाहोगे? अपनी राय नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।